खबर लेने मुल्लापुर दाखा तो। मुल्लापुर दाखा विच डॉक्टर बी आर अंबेडकर भवन विच सी टी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ वालों फ्री लीगल एड कैंप लगाया गया। इस कैंप विच लोगों नूं कानूनी हक्कां दी जानकारी दित्ती गई है। इन्हां द्वारा लोगों नूं जिला कानूनी सेवावां अते वख-वख स्कीमां बारे दस्या गया है। इस मौके ते कैंप विच शामिल होए जगसीर सिंह खालसा जी ने कानूनी सेवावां दी जानकारी ली है। इस संबंध विच की गलबात कीती गई है, आओ सुनदे हां। अज ही असं इतने एक फ्री लीगल एड कैंप लाया है। असं सिटी यूनिवर्सिटी तो आए हैं। साढ़े उत्थे चेयरमैन सरदार चरणजीत सिंह जी चली ने, डायरैक्टर सरदार मनवीर सिंह जी एंड वाइस चांसलर डॉक्टर हर्ष सदा वर्ती। मैं उत्थे स्कूल ऑफ लॉ की प्रिंसीपल हैं जी डॉक्टर सिमरनजीत कौर गिल, उन्हां दी रहनुमाई दे अंडर ही असं इतने आए हैं। ये फ्री लीगल एड कैंप लाने का साडा मेन जो मकसद सीगा वह जिला कानूनी सेवावां बारे लोगों नूं जागरूक करना सी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसिज अथॉरिटी लुधियाना एक प्रॉपर इस्टैबलिश्ड अथॉरिटी है जिदे विच गरीब इंसानों लिए बहुत सारिया स्कीमां ने एंड लोग अपने हकों जागरूक ही नहीं। तो इसे बेसिकली इस कैंप लाने का परपस ये कि लोगों को पता लगे अपने हकों बारे वो जागरूक हो, नवी नवी स्कीमां बारे असं उन्होंने दस सकी। जिमें अज इतने खालसा जी आए, उन्होंने दसिया कि वो सोशल एक्टिविस्ट ने ते बहुत ऐसे काम करते हैं, पर उन्होंने खुद कोई जानकारी नहीं कि ऐसा कोई फ्री कानूनी सेवावां भी दित्तियां जांदियां ने। तो इस तों अलावा मैं जरूर दसना चाहवांगी कि असं सिटी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ दे विच भी एक फ्री लीगल एड क्लीनिक खुलिया हुआ है जिहड़ा 9 to 4 पूरा एक्टिव है। तो उत्थे किसी टाइम भी कोई भी जिहड़ा गरीब बंदा है आके कानूनी सलाह लै सकदा है, तो उन्होंने असं फ्री सलाह प्रोवाइड करा। मैडम अज किन्ने जिहड़े लोग आ तुहाडे कोल जिहड़े सलाह लैण आ चुके? अज देखो जी असीं बड़े शॉर्ट नोटिस की वैसे तो इतने असीं प्लान किया सी, पर फिर भी बहुत लोगों का अच्छा इन्ना अच्छा सानूं मतलब हुंगारा मिलिया। किन्ने ही लोग आ चुके ने, 10-15 लोग ऑलरेडी आके जा चुके ने एंड किन्ने लोगों के हुण फोन भी आ रहे हैं। तो हुण असीं जो नैक्सट प्लान करांगे असीं DLSA दे मैंबरस नूं नाल लैके आवांगे, जज साहब नूं भी नाल लैके आवांगे, तो एक वड्डे रूप च इत्थे कैंप ला के लोगों नूं सेवावां प्रोवाइड करांगे। मैडम सिर्फ अज दा दिन ही चलेगा जां होर भी नैक्सट डे चलेगा? कंटिन्यू जी, हाँ जी, इहनूं असीं कंटिन्यू रखांगे। इस सेवा नूं असीं तो शुक्रगुजार हाँ प्रधान साहब अंबेडकर भवन दे कि उन्होंने सानू अज बड़ी हौसला अफजाई दिती है कि वो फ्यूचर च भी सानू वो हॉल प्रोवाइड करनगे। ते लोकां नू पहलां तो ही असीं इस बारे एडवरटाइज करांगे ताकि लोग वध तो वध आके इस कैंप तो अपना बेनीफिट लै सकन। अज इत्थे फ्री लीगल एड वाले ने कैंप लगाया हैगा, तो सानू जदों पता लग्या असीं इत्थे आए हाँ, तो इत्थे आउण तों बाद पता लगा कि बहुत लोग ने जिन्हां नू मतलब जिहड़ियां कानूनी सेवावां दी लोड़ हुंदी आ, आम जनता नू पता नहीं हुंदा कि असीं की करना, क्योंकि जिहड़े पिंडां विच जां जिहड़े जागरूक नहीं हैगे लोग वो की करदे आ, जां तां डरदे पुलिस दे विच ना थाने च जांदे आ ना कंप्लेंट करदे आ, वो अपने हक लैण लई मतलब जागरूक ना होण करके अपने हक्कां तों वांझे रहि जांदे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਖੁਰਦ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਆ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਫਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਤਰੀਫਾ ਅਤੇ ਸਲਾਘਾ ਜੋਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਵ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸੀ ਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੀਗਲ ਏਡ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਓਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ।
जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो। सिर्फ 2-3 महीने ये 125 बीमारियां तक के इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैं बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैं मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैं तो बड़ा फायदा दिता इसने। जो थानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भूलो। कितना कि असं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीव जिन्हें मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसे लगाने मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया। तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो वह भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।